हेलो फ्रेंड, लास्ट क्लास में हमने स्फेरिकल मिरर्स में मिरर फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है, उस इमेज की एग्जैक्ट दूरी निकालनी है मिरर से, तो उसको कैसे निकाला जाए, इसके बारे में हमने एक फॉर्मूले को डिस्कस किया था और डिराइव भी किया था। नाउ उसके पहले हमने एक स्फेरिकल मिरर में किस तरह से इमेज फॉर्म होती है इसको डिस्कस किया था। अलग अलग तरह के स्फेरिकल मिरर्स में अलग अलग तरह की इमेजेस फॉर्म हुई थी। अब हम उसी फॉर्मूले, उसी कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे फ्रॉम प्रैक्टिस शीट रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन की जो प्रैक्टिस शीट है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट अस डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री सेज, व्हाट डू यू मीन बाय लेटरल इन्वर्जन, व्हाट इज द कॉज ऑफ लेटरल इन्वर्जन। द क्वेश्चन सेज कि लेटरल इन्वर्जन से आप क्या समझते हैं एंड वॉट इज द कॉज, इस लेटरल इन्वर्जन का रीजन क्या है, इसका कॉज क्या है। ओके, सो लेटरल इन्वर्जन, सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमने कहाँ कहाँ पे देखा है। हमने सबसे पहले लेटरल इन्वर्जन देखा था प्लेन मिरर्स में। वॉट इज लेटरल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन में जब लेफ्ट हैंड राइट हैंड बन जाता है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड बन जाता है, सो इस तरह का जो एक कन्वर्जन होता है, इस तरह का जो फिनोमेनन होता है, जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, उसे हम लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। जैसा कि हमने देखा था, अगर आप एक प्लेन मिरर के सामने इस तरह से खड़े हो जाएं, तो जैसे ही आप अपना राइट हैंड उठाएंगे, वैसे ही प्लेन मिरर अपना लेफ्ट हैंड उठाएगा, और अगर आप अपना लेफ्ट हैंड उठाएंगे तो प्लेन मिरर अपना राइट हैंड उठाएगा। ऐसा आप देख सकते हैं, एक फिनोमेनन हम देखने को मिलेगा हमें प्लेन मिरर्स में। दिस इज बेसिकली नोन एज द लेटरल इन्वर्जन। जैसे कि घड़ी है, घड़ी में हम देखते हैं कि अगर 3 बज रहे हैं, तो जब आप उसको मिरर में देखेंगे तो आपको 9 बजा हुआ दिखाई देगा। ऐसा आप, हमने क्वेश्चन भी डिस्कस किया था प्लेन मिरर्स के केसेस में। और क्या देख सकते हैं, और फॉर एग्जांपल अगर ऐसा पी लिखा हुआ है, और सामने एक आपने प्लेन मिरर रखा, तो इस प्लेन मिरर में इस पी की इमेज हमें यहां सामने दिखाई देती है, पर वह इमेज कुछ इस तरह की रहती है। समथिंग लाइक दिस, ऐसा हमने डिस्कस किया था। दिस इज बेसिकली लेटरल इन्वर्जन। क्या हो रहा है यहां पे, यहां पे ये पी पलट गया। इसमें ऐसा वर्टिकल इन्वर्जन नहीं हो रहा, ऐसा इरेक्ट इमेज नहीं हो रहा। जो पी का टॉप है वो टॉप पे ही दिख रहा है, जो पी का बॉटम है वो बॉटम में ही दिख रहा है। इट मींस यहां पे इरेक्ट इमेज नहीं बन रही, यहां पे सॉरी इरेक्ट इमेज बन रही है, यहां पे लेटरल इन्वर्जन हो रहा है। मेरे अगर मैं इस तरह से मिरर के सामने खड़े हो जाऊं, तो मेरी इमेज में मेरे सर नीचे और पांव ऊपर ऐसा नहीं दिखेगा। क्या दिखेगा कि अगर आप अपना लेफ्ट हैंड उठाएंगे तो आपका राइट हैंड उठा हुआ दिखेगा, और अगर आप अपना राइट हैंड उठाएंगे तो मिरर में आपको अपना लेफ्ट हैंड उठा हुआ दिखेगा। दिस इज द लेटरल इन्वर्जन। सो व्हाट इज लेटरल इन्वर्जन, अगर इसको हम डेफिनेशन कहना चाहें, सो वी कैन से इट इज द फिनोमेना, इट इज द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ मिरर इन विच लेफ्ट साइड अपीयर्स राइट एंड राइट साइड अपीयर्स लेफ्ट। दिस इज अ वाइस वर्सा, कि लेफ्ट राइट हो जाता है, राइट लेफ्ट हो जाता है। सो वी कैन राइट द डेफिनेशन, डेफिनेशन कैसी लिख सकते हैं हम, वी कैन से कि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि लेटरल इन्वर्जन क्या चीज है, तो फिजिकली हम देखें तो हमें समझ में आ गया कि लेटरल इन्वर्जन मतलब
लेफ्ट और राइट पलट जाते हैं, लेफ्ट और राइट बदल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये पी जो लेटर है इसके साथ हो रहा है, ये पी कुछ इस तरह से दिखाई देगा। लेकिन जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि एक फुटबॉल, अगर आप फुटबॉल की इमेज को मिरर में देखेंगे तो वह इमेज बिल्कुल वैसी की वैसी ही आपको दिखाई देगी। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा है, वहां पे लेटरल इन्वर्जन तो हो ही रहा है, बट क्योंकि फुटबॉल एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, इसलिए वहां पे हमें डिफरेंस पता नहीं चलेगा। क्योंकि अगर आप एक स्फीयर को घुमाओ, कितना भी घुमा लो, उसका शेप चेंज नहीं होता, उसका साइज चेंज नहीं होता, वह बिल्कुल वैसा का वैसा ही दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस तरह से खड़ा हूं, सो दिस इज माई फ्रंट, लेकिन अगर मैं 180 डिग्री से टिल्ट हो जाऊं तो आपको मेरा बैक दिखाई देगा। लेकिन अगर मैं वापस से 180 डिग्री से टिल्ट हो जाऊं सो आपको वापस से मेरा फ्रंट दिखाई देगा। ये क्या हो रहा है? दिस इज बेसिकली द फिनोमिनन। मिरर में एग्जैक्टली यही फिनोमिनन होता है। सो बाय डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं, लेटरल इन्वर्जन क्या चीज है? लेटरल इन्वर्जन इज द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर और अदर मिरर्स। लेकिन हम स्पेसिफिकली कहें तो प्लेन मिरर के लिए अपन कह सकते हैं, प्लेन मिरर इन विच लेफ्ट साइड अपीयर राइट एंड वाइस वर्सा। लेफ्ट साइड राइट दिखती है, राइट साइड लेफ्ट दिखता है। नाउ अब ये जो इफेक्ट है, ये इफेक्ट कुछ डिफेक्ट्स अपने साथ लेके आता है, कुछ प्रॉब्लम साथ में लेके आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस पे अगर मैंने डायरेक्टली एम्बुलेंस कुछ इस तरह से लिख दिया, तो जब आप अपनी गाड़ी का रेयर व्यू मिरर जो सामने लगा होता है, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, यहां पे एक मिरर लगा हुआ है, इस मिरर में जब आप इस एम्बुलेंस वर्ड को देखोगे, सो यह तो एक प्लेन मिरर है, तो इस प्लेन मिरर में इस एम्बुलेंस की एक इमेज फॉर्म होगी, आपको इस एम्बुलेंस वर्ड की एक इमेज दिखाई देगी। और वह इमेज किस तरह से दिखेगी? वह इमेज आपको कुछ ऐसी दिखेगी। कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये वर्ड लिखा ऐसा है लेकिन आपको ऐसा दिख रहा है। सो क्या आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे कि पीछे क्या लिखा है? आप क्या पता लगा पाओगे? ऑब्वियसली नॉट। आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी में ट्रैफिक में हो, स्पीड में हो, और पीछे आपको ऐसा लिखा हुआ दिखे, कि आपको मिरर में दिखे कि कुछ गाड़ी आ रही है, पीछे से कोई व्हीकल आ रहा है जिस पर ऐसा कुछ लिखा है, सो कुछ सेकंड्स के लिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि व्हाट इज दिस, ये क्या लिखा है, ठीक है। लेकिन अपने को मालूम है कि हाँ, दिस इज एम्बुलेंस। एक्चुअल में क्या था, ये एक एम्बुलेंस थी, लेकिन उसमें आपको दिख इस तरह से रहा था, सो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए कि ये एम्बुलेंस जा रही है या कोई और व्हीकल जा रहा है। अगर मैं एम्बुलेंस के ऊपर इस तरह से लिख दूं, इस तरह से लिख दूं, सो जब आप मिरर में देखोगे तब आपको क्या दिखाई देगा? तब आपको ये दिखाई देगा। सो आप आसानी से डिस्टिंग्विश कर पाओगे। तो आप गाड़ी चला रहे हो, पीछे से आपको दिखा कि ये लिखा हुआ है, सो आप फटाफट गाड़ी साइड में लोगे, बिकॉज इट इज एम्बुलेंस। सो क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर मैं प्लेन मिरर में किसी भी ऑब्जेक्ट को देखूं तो उसका लेफ्ट और राइट पलट जाता है, लेफ्ट और राइट अपोजिट हो जाता है, ऐसा हमें दिखाई देता है। लेकिन ये एक्चुअल में नहीं होता है, इट इज एपेरेंट, ऐसा फॉल्स है, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। एक्चुअल में क्या रहता है, ये मिरर की बस इमेज बनती है, लेकिन हमें ये इमेज दिखाई दे रही है, इसलिए हमें लगता है कि ये पलट गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऐसा खड़ा हूं, मैं अगर अपना राइट हैंड ऊपर करो, सो मेरी जो इमेज इधर फॉर्म होगी वह इमेज अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करेगी। ऐसा आप कॉमनली देख सकते हैं मिरर के सामने खड़े होके। सो लेटरल इन्वर्जन इज व्हाट, बेसिकली इट इज द लेफ्ट राइट रिवर्सल, लेफ्ट राइट पलट जाना। अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स हो, जैसा कि एम्बुलेंस वर्ड के साथ है, तो क्या हमें एम्बुलेंस वर्ड को किसी भी गाड़ी पे इस तरह से लिखना चाहिए? ऑब्वियसली नॉट। हमें क्या लिखना चाहिए, हमें ये लिखेंगे, हम अगर इस तरह से एम्बुलेंस को लिखेंगे तो हमें जब मिरर में इमेज दिखाई देगी तो क्लियरली हम पढ़ सकेंगे। अगर आप किसी एम्बुलेंस के सामने खड़े होकर देखोगे तो आपको ये लिखा दिखाई देगा, लेकिन अगर उसी की आप मिरर में इमेज लोगे तो आपको इस तरह से दिखाई देगा। दैट्स वाई आप देखोगे कि एम्बुलेंस पे हमेशा कुछ इस तरह से लिखा हुआ रहता है, ताकि मिरर में वो रिवर्स हो जाए और ऐसा दिखने लगे। नाउ दिस इज द बेसिकली डेफिनेशन ऑफ लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन हो क्यों रहा है, व्हाट इज द कॉज ऑफ लेटरल इन्वर्जन? लेटरल इन्वर्जन बिल्कुल सिंपल से कॉज की वजह से होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस तरह से ये
बॉक्स ले लूं, इस बॉक्स को आप सामने से देख सकते हो कि कुछ लिखा है, ये एक चौक का बॉक्स है। इस बॉक्स को अगर मैं 180 डिग्री से टिल्ट कर दूं तो आपको इसके पीछे का दिखाई देने लगेगा। ओके, इट मींस जो बॉक्स के आगे का पोर्शन है वह छुप जाएगा, वह आगे आ जाएगा और आपको बॉक्स के पीछे का पोर्शन दिखाई देगा। लेकिन जैसे ही इसको मैं 180 डिग्री से वापस घुमाऊं सो आपको वापस बॉक्स के आगे का पोर्शन दिखाई देगा, क्योंकि जब मैंने इसको 180 डिग्री से टिल्ट किया था सो इट वॉज लेटरली इन्वर्टेड, लेटरल इन्वर्जन यहाँ पे हो गया था। बिल्कुल यही चीज आपके मिरर में होती है। मिरर में मैं इस तरह से खड़ा हूं तो जो मेरी इमेज फॉर्म होती है वो 180 डिग्री से टिल्ट हो जाती है, 180 डिग्री से रोटेट हो जाती है। सो इस रोटेशन की वजह से हमें लेफ्ट का राइट में दिखता है और राइट का लेफ्ट में। सो दिस वॉज द कॉज ऑफ लेटरल इन्वर्जन। सो दिस इज द डेफिनेशन, एंड कॉज में हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज डेफिनेशन। एंड कॉज, कॉज इज बिकॉज इमेज फॉर्म इज रोटेटेड बाय 180 डिग्री, 180 डिग्री से रोटेट हो गई है हमारी इमेज। फॉर एग्जाम्पल अगर इस पी की बात करूं तो इस पी को अगर आपने 180 डिग्री से रोटेट किया सो ये पी आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, लेकिन अगर आपने इसको वापस से 180 डिग्री से रोटेट किया सो वापस से आपको पी इस तरह का दिखाई देगा। सो हम कह सकते हैं जो इमेज है वो क्या है, बेसिकली 180 डिग्री रोटेटेड। सो दिस इज द कॉज ऑफ लेटरल इन्वर्जन। सो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि डिफाइन लेटरल इन्वर्जन एंड व्हाट इज द कॉज ऑफ लेटरल इन्वर्जन, सो व्हाट यू नीड टू राइट, आपको सिर्फ ये डेफिनेशन लिखना है एंड देन कॉज। अगर आप इसको इस तरह से लिख के और ये वाला डायग्राम बना के आएंगे सो यू विल गेट फुल मार्क्स। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस द 7th क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस शीट। 7th क्वेश्चन सेज ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर कॉनकेव मिरर शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ वर्चुअल इमेज, इरेक्ट इमेज एंड एनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 सेज कि आपको एक कॉनकेव मिरर में इमेज को फॉर्म होता हुआ दिखाना है, इमेज फॉर्मेशन का डायग्राम ड्रॉ करना है, जिसमें इमेज कौन सी होनी चाहिए, या तो वर्चुअल इमेज, इरेक्ट इमेज और एनलार्ज इमेज। नाउ ऐसा हमने देखा था जब हमने कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन को पढ़ा था, तो हमने देखा था कि कॉनकेव मिरर कुछ पोर्शंस में तो हमेशा रियल इमेज फॉर्म करके देता है, बट स्पेसिफिकली एक केस ऐसा था जिसमें वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही थी। कौन सा केस था, यू मे रिमेंबर कि अगर हमने कॉनकेव मिरर में This is pole. So you may remember कि हमने कॉनकेव मिरर में केस देखा था कि जब मैंने ऑब्जेक्ट को फोकस से और पोल के बीच में रखा था, फोकस और पोल के बीच में, सो लाइट रे जो कुछ इस तरह से टकराती है मिरर से पैरेलली, वह रिफ्लेक्ट बैक हो रही थी और फोकस से पास हो रही थी, समथिंग लाइक दिस। एंड एक लाइट रे जो पोल पे टकराती है वो कुछ इस तरह से पास हो रही थी, एंड हमने देखा था कि इमेज जो बन रही थी वह पीछे की तरफ एक वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही थी। तो कुछ इस तरह से हमने कॉनकेव मिरर में एक ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखा, उस ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट रेस कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट हुई, और रिफ्लेक्ट होके अगर यहां पे कोई पर्सन
खड़ा है तो उसकी आईज में आएगी जो लाइट रेज इस ऑब्जेक्ट से, इस मिरर से टकरा के रिफ्लेक्ट हो रही है। रिफ्लेक्ट होती हुई लाइट रे जब इस तरह से इस पर्सन की आईज में आएगी तो इन्हें दिखाई देगा कि एक ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे बना है। मीन्स ये लाइट रेस कहीं पीछे से आ रही हैं और कुछ इस पॉइंट से, तो हम देख पाएंगे कि इस तरह की एक इमेज फॉर्म होती हुई दिखेगी। सो लेट अस से इफ दिस इज ए एंड दिस इज बी, सो इमेज इज दिस ए डैश एंड बी डैश। सो ए डैश बी डैश जो इमेज है आप देख सकते हैं, ये इमेज वर्चुअल है, यस इट इज वर्चुअल। क्या ये इमेज इरेक्ट है? यस ये इमेज इरेक्ट है। व्हाई इरेक्ट? बिकॉज जो ऑब्जेक्ट का टॉप है वही इमेज का भी टॉप है। इसमें वर्टिकली इन्वर्जन कुछ नहीं हो रहा, ऐसा तो नहीं है कि जो टॉप है वो बॉटम हो जाता है या जो बॉटम है वो टॉप हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। सो यू कैन सी कि ऑब्जेक्ट की इमेज एक तो इरेक्ट बन रही है, वर्चुअल बन रही है और एनलार्ज बन रही है। आप देख सकते हैं दिस इमेज इज वेरी वेरी लार्ज कंपेयर टू दिस ऑब्जेक्ट। सो कॉनकेव मिरर में अगर मुझे एक वर्चुअल इरेक्ट और मैग्निफाइड एनलार्ज इमेज चाहिए सो आपको ऑब्जेक्ट को कहां पे रखना होगा? फोकस एंड पोल के बीच में। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 7। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सेज व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म, फर्स्ट इज अ प्लेन मिरर एंड सेकेंड इज ऑन सिनेमा स्क्रीन। तो ये हमसे ये पूछना चाह रहा है कि एक प्लेन मिरर और एक सिनेमा स्क्रीन जो इमेज फॉर्म करती है वह इमेज किस तरह की होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द प्लेन मिरर, अगर हम प्लेन मिरर की बात करें सो प्लेन मिरर में किस तरह की इमेज फॉर्म होती है ये हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है। सो क्या लिख सकते हैं हम? द इमेजेस, वेरी फर्स्ट इमेजेस वर्चुअल, वह इमेज वर्चुअल होती है। देन इरेक्ट, वह इमेज इरेक्ट होती है। वर्चुअल मींस मिरर के पीछे फॉर्म हो रही है, उसे हम स्क्रीन पे नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस तरह से खड़ा हूं, मेरे यहां पे एक सामने मिरर है, सो मिरर में मेरी इमेज पीछे की तरह फॉर्म होगी, लेकिन जब मैं मिरर के पीछे देखूंगा तो मुझे कोई इमेज दिखाई नहीं देगी। जब मैं मिरर में देखूंगा तभी वह मुझे इमेज पीछे की तरफ दिखाई देगी। सो इट्स अ वर्चुअल इमेज। व्हाई वर्चुअल इमेज? बिकॉज इसको हम स्क्रीन के ऊपर नहीं ले सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक ऐसा प्लेन मिरर रखा और यहां पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज पीछे की तरफ फॉर्म होगी, लेकिन कितनी दूरी पे? एग्जैक्टली जितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का है। सो वी कैन से यहां पे ऐसा कुछ इमेज फॉर्म होगा, वो इमेज सेम साइज का होगा, लेकिन अगर मैंने यहां पे एक स्क्रीन लगा रखी है दिस इज अ स्क्रीन, दिस इज अ मिरर। अगर आपने यहां पे स्क्रीन लगा दी कुछ इस तरह से, स्क्रीन इज नथिंग बट अ पेपर, एक शीट ऑफ वाइट पेपर, व्हाइट पेपर का एक शीट आपने ऐसा यहां पे लगा दिया, सो इस शीट पे आपको कोई इमेज दिखाई नहीं देगा। आपको सिर्फ इस मिरर में जब आप देखोगे तब आपको एक इमेज दिखाई देगा जो कि यहां पे बन रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में शीट लगाने पे जब मैंने देखा तो मुझे कोई इमेज नहीं दिखी। सो इट मींस जो इमेज फॉर्म हुई है वो एक वर्चुअल इमेज है, वह सत्य नहीं है, वो झूठ है, वो इमेज सही में नहीं बनी। ओके सो हम कह सकते हैं इमेज इज वर्चुअल। एंड इरेक्ट इमेज हमने डिस्कस किया था, जैसा ये है वैसा का वैसा, मैं ऐसा खड़ा हूं तो मेरा सर वहां पे ऊपर ही दिखेगा, पांव नीचे ही दिखेंगे, ऐसा तो नहीं है कि मेरे पांव ऊपर चले जाएंगे सर नीचे। सो इट मींस ये इमेज एक इरेक्ट इमेज है। देन इरेक्ट के बाद और क्या कंडीशंस हैं, और क्या क्वालिटीज हैं इस इमेज की? इट इज लिटरली इन्वर्टेड, हमने अभी पढ़ा लिटरली इन्वर्जन का क्या मतलब है। सो द इमेज फॉर्म बाय दिस प्लेन मिरर इज लिटरली इन्वर्टेड। एंड वॉट सेम साइज, सबसे इंपॉर्टेंट, जो प्लेन मिरर से इमेज फॉर्म हुई है वह सेम साइज की है, जिस साइज का आपका प्लेन मिरर है उसी साइज की आपकी इमेज है। सो दिस इज द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। नाउ वॉट नेक्स्ट, नेचर ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ सिनेमा स्क्रीन।
सो अगर हम सिनेमा स्क्रीन की बात करें तो जो सिनेमा स्क्रीन होता है, सिनेमा स्क्रीन इज बेसिकली अ स्क्रीन। कैसी? जैसे हमने ये कागज की स्क्रीन लगाई, वैसे ही सिनेमा स्क्रीन क्या होता है? एक प्लास्टिक की शीट होती है बहुत बड़ी, व्हाइट कलर की। इट्स नथिंग बट अ व्हाइट प्लास्टिक शीट। आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो सिनेमा स्क्रीन में एक कहीं पे पीछे की तरफ एक कैमरा चलता रहता है। उस कैमरा से कुछ इमेजेस आती हैं, कुछ लाइट आती है, वो लाइट उस स्क्रीन पे गिरती है और वह फिर हमें इमेज दिखाई देती है। सो वह कुछ इस तरह से रहता है। लेट्स से दिस इज माय स्क्रीन, जो थिएटर में आपने देखा होगा, थिएटर में यहां पे ऐसा एक कैमरा जैसा कुछ लगा है। इस कैमरे से जो लाइट आती है वो स्क्रीन पे गिरती है। और इस स्क्रीन में एक रील होती है। रील कैसी? रील कुछ ऐसा एक स्ट्रिप होता है रील क्या है? जस्ट एक स्ट्रिप होता है। ऐसा आपने पुराने जो कैमरे यूज करते थे, अब तो खैर डिजिटल कैमरा यूज करते हैं, लेकिन जो पुराने जमाने में कैमरे यूज होते थे उसमें ब्लैक कलर की एक स्ट्रिप होती थी। आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो वह स्ट्रिप कुछ इस तरह से दिखती थी और ये जो ब्लॉक है यहां पे हमें फोटोज दिखाई देती थी, यहां पे कुछ इमेज दिखती थी। आप पहले फोटो खींचते थे कैमरे से, फिर उसको फोटोग्राफर को देते थे, वह उसको धो के देता था, ऐसा हम कहते हैं। तो ये इस तरह से इमेज होती थी, इस तरह से स्क्रीन होती थी, रील होती थी। इस रील में यहां पे इमेजेस फॉर्म होती थी और इस इमेज की यहां पे हमें ऐसे कॉपी दिखती थी। तो हम जो मूवी देखते हैं, जो सिनेमा में स्क्रीन पे जो मूवी चलती है, वह मूवी कुछ नहीं है, वह सिर्फ क्या है? एक ऐसी रील है जो कि कंटिन्यूअसली घूमती है। ये रील में बहुत सारी इमेजेस हैं, तो उस सिनेमा में हम देखेंगे कि वो इमेजेस चलती हुई दिखाई देती है। ओके, वो एक नेक्स्ट फेनोमिनन है, परसिस्टेंस ऑफ विजन नाम की एक चीज आती है। जब हम लाइट, जब आय के बारे में पढ़ेंगे कि एक आय से किस तरह से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, किस तरह से इमेज फॉर्म होती है, तब हम उसको फर्दर और डीप में डिस्कस करेंगे। बट फॉर टाइम बीइंग आप ऐसा मान सकते हैं कि एक कैमरे में एक रील है, इस रील से कुछ लाइट जाके स्क्रीन पे गिर रही है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब क्योंकि हम जो सिनेमा, जो मूवी देख रहे हैं वो स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, सो जो इमेज स्क्रीन पे ली जा सकती है उसे हम कहते हैं रियल इमेज। सो इट मींस जो इमेज सिनेमा स्क्रीन फॉर्म करेगी वह एक रियल इमेज होगी। सो सबसे पहली कंडीशन, सिनेमा स्क्रीन में जो इमेज बनी वो रियल इमेज है। व्हाई इट इज रियल? बिकॉज हम उसे स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। जैसा कि नाम कह दिया उसने सिनेमा स्क्रीन, तो स्क्रीन बोलना मतलब रियल इमेज। ओके, सो और क्या हो सकता है? अब हम देखते हैं, ये रील तो इतनी छोटी सी है, ओके, बट ये सिनेमा स्क्रीन बहुत बड़ी होती है। इट्स वेरी वेरी लार्ज, 100 टाइम्स लार्ज होती है इस छोटे से रील से। सो इट मींस जो इमेज फॉर्म होती है वो मैग्निफाइड इमेज है। जो इमेज फॉर्म हो रही है वह एक मैग्निफाइड इमेज है। नाउ व्हाट एल्स? अब ये स्क्रीन में जो इमेज है वह इस कैमरे से रिफ्लेक्ट होकर सामने बन रही है, सो वहां पे सिर्फ रियल इमेज बन रही है और एक मैग्निफाइड इमेज, दो ही नेचर को हम जान सकते हैं। और बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि इन्वर्जन हो रहा है या नहीं हो रहा है, बट डिपेंड्स ऑन द कैमरा। बट बेसिकली क्या होगा, सिनेमा स्क्रीन में अगर आपसे कोई पूछे कि इमेज किस तरह की है, सो आप सिर्फ कहेंगे कि रियल इमेज है एंड मैग्निफाइड इमेज। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सेज, व्हाई द वर्ड ऑन एम्बुलेंस इज पेंटेड इन द मिरर फॉर्म। तो क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि जो एम्बुलेंस वर्ड है वो मिरर फॉर्म में क्यों पेंट किया जाता है, किसी भी एम्बुलेंस पे, किसी व्हीकल पे अगर मुझे एम्बुलेंस लिखना है तो मैं उसको मिरर फॉर्म में ही क्यों पेंट करूंगा।
मिरर फॉर्म मींस, मिरर फॉर्म जैसा हमने अभी देखा था, जो मिरर की इमेज फॉर्म हो रही है, मिरर से इमेज जो फॉर्म हुई थी एम्बुलेंस वर्ड की, वह लिटरली इन्वर्टेड थी। सो अगर मैंने एम्बुलेंस वर्ड ऐसा लिखा, सो हमने देखा था कि जब अगर मैं इसकी मिरर में इमेज लूंगा, सो हमें ये वर्ड लेटरली इन्वर्टेड दिखाई देगा, जस्ट उल्टा लिखा हुआ दिखाई देगा कुछ इस तरह से। सो आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कि पीछे जो गाड़ी आ रही है वो एम्बुलेंस है कि कुछ और है। सो बट ये इंपॉर्टेंट है हम डिस्टिंग्विश कर पाए, क्योंकि एम्बुलेंस को हम जानते हैं, एम्बुलेंस को ट्रैफिक क्लियर करके रास्ता देना जरूरी है, बिकॉज समवंस लाइफ डिपेंड्स ऑन दिस, एम्बुलेंस में किसी की लाइफ है। सो अब अगर मुझे एम्बुलेंस पे ऐसा लिखा हुआ दिया जाए, ना कि ऐसा, अगर इस तरह से लिखा हुआ दिया जाए, तो जब इस पेंटेड की, इस पेंटेड ऑब्जेक्ट की जब मैं रिफ्लेक्शन लूंगा प्लेन मिरर में देखूंगा, तो मुझे ये दिखाई देगा। और हम क्या चाहते हैं, जब हम गाड़ी में देखेंगे तो रेयर व्यू मिरर में क्या दिखता है, वह एक प्लेन मिरर है, तो उसमें आपको लेटरली इन्वर्टेड इमेज दिखेगी। सो ड्यू टू लेटरल इन्वर्जन हम इस तरह से एम्बुलेंस वर्ड को लिखेंगे। सो इन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर हम क्या लिखेंगे, बिकॉज ऑफ लेटरल इन्वर्जन बाय अ प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर में लेटरल इन्वर्जन होता है, इसीलिए हम इस तरह से एम्बुलेंस को लिखते हैं। ओके, सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 9।